राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम और पीएम के नाम दिया ज्ञापन। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने सिवनी मालवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार महिमा मिश्रा को सौंपा। ज्ञापन में राज्य कर्मचारी संघ ने अपनी 70 सूत्री मांगों के निराकरण की मांग की है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र पटेल ने बताया कि कर्मचारी संघ की कई मांगे लंबे समय से लंबित है, जिनका अब तक निराकरण नहीं हो पाया है। इन मांगों के निराकरण को लेकर एक बार फिर से ज्ञापन सौंप शासन से कर्मचारी हित में निर्णय लेने की मांग की है। ब्लॉक अध्यक्ष बीएन उमरिया ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारियों की 70 सूत्री मांगों के निराकरण को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है, बावजूद इसके अभी तक इनका कोई निराकरण नहीं हो पाया है। शासन से हमने मांग की है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों के हित में निर्णय लेकर उनकी मांगों की पूर्ति की जाए। किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया? आज हमने मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय और राष्ट्रीय आह्वान पर भारतीय मजदूर संघ के सानिध्य में आज ये 70 सूत्री मांगों का ज्ञापन हमने तहसीलदार महोदय महिमा मिश्रा को सौंपा गया है, जिनमें विगत समय से जो 70 मांगे हमारे शासन के समक्ष विचाराधीन है, उन पर अमल करने के लिए आज हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया? राज्य कर्मचारी संघ भारतीय मजदूर संघ से संबंधित संगठन ज्ञापन आज दिया मैडम को। 70 सूत्री मांगे हैं कर्मचारियों की, वेतन विसंगति, डीए एरियस वगैरह, साथ में वेतनमान के एरियस भुगतान के संबंध में है, पुरानी पेंशन फ्रीज करने के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारियों की 70 सूत्री मांगों के संबंध ज्ञापन आज सौंपा गया। ज्ञापन प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। कर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण के संबंध सिटी अलाउंस 1000 रुपये प्रतिमा, यात्रा भत्ता, केंद्र समान एलटीटी सुविधा, अधिकारी कर्मचारियों के समयमान वेतनमान, त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान दिए जाने बाबत, अधिकारी कर्मचारियों की अर्धवार्षिक आयु 33 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष किए जाने, प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को 500 रुपये मोबाइल भत्ता दिए जाए, छठे वेतनमान में वेतन विसंगति को दूर किए जाने बाबत, सहायक शिक्षकों का कर्मोन्नति वेतनमान में संशोधन कर प्रथम एवं द्वितीय तृतीय 10, 20 और 30 वर्ष किया जाए, लिपिक वर्गीय वेतनमान विसंगति माननीय रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट अनुसार तत्काल दी जाए, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों के सर्वे के समान वेतनमान प्रदान किया जाए, अनुकंपा नियुक्ति सरलीकरण किया जाए, सेवानिवृत्ति होने वाले शिक्षक संवर्ग में शिक्षकों को 300 दिवस का अर्जित अवकाश का लाभ दिया जाए, सारी शर्तें हटाई जाए, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित हैं ग्रेड पे 1300 से बढ़ाकर 1900 किया जाए, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाकर शासकीय सेवक के समान समस्त सुविधाएं प्रदान की जाए, सचिव रोजगार सहायक नियमितीकरण के आदेश दिए जाए।